यार आज फिजिक्स में मचाते हैं. कंसीडर बुक लाइंग ऑन अ टेबल, द वेट ऑफ द बुक एंड द बनाई देते हैं यार, है ना. बुक बना दो भाई एक, ये मान लो बुक है अपनी, है ना. तो इस पे एम जी लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है बुक पे, है ना. ठीक है, यही है. द नॉर्मल फोर्स बाई द टेबल ऑन द बुक आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिटेड डायरेक्शन. बिल्कुल सही बात है. अगर एक्सेलरेशन इसका जीरो है तो दोनों फोर्स बराबर होंगे. इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ? ये भी हमारे नोट्स का क्वेश्चन है. नो नो. इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ, ये बहुत जरूरी है यार, ये बहुत जरूरी है. मैक्सिमम लोगों के न्यूटन थर्ड लॉ इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड लॉ, है ना. मैक्सिमम लोगों को लगता है कि उनको आता है और उनको गलत आता है. दिक्कत तो यही है, ये असलियत में आसान है अगर सही ढंग से पढ़े तो याद है. नहीं, क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है? नहीं है भाई, नहीं है. ये नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है? ये टेबल लगा रही है. दिस इज द फोर्स ऑन ब्लॉक, दिस इज द फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू टेबल. दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज द फोर्स ऑन ब्लॉक, दिस इज द फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू एमजी, है ना. सॉरी, ड्यू टू अर्थ, मतलब ड्यू टू अर्थ, ये अर्थ लगा रही है यार. भाई न्यूटन थर्ड लॉ का दिक्कत ये हुई थी, लोग इसको इस तरह से याद रखते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दैट इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, नॉट एक्जैक्टली द न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन का थर्ड लॉ दो बताता है कि दो बॉडी एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाती हैं. बी ए पे जितना फोर्स लगाएगी, ए भी बी पे उतना ही फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में. ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, दो बॉडी एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में. तो न्यूटन का थर्ड लॉ का जो फोर्स होता है ना एक्शन रिएक्शन पे, वो दो बॉडी आपस में एक दूसरे पे लगाती है. समझ में आ रही? वो हमेशा अलग अलग बॉडीज पे लगता है. समझ में आ गया? तो इस mg का रिएक्शन फोर्स क्या होगा? इस mg का रिएक्शन फोर्स होगा, अगर b a पे फोर्स लगा रहा है तो a b पे लगाएगा, अगर अर्थ ब्लॉक पे लगा रही है तो ब्लॉक अर्थ पे लगाएगा. ये न्यूटन के थर्ड लॉ का एक्शन रिएक्शन है. अगर टेबल ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है तो ब्लॉक भी टेबल पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा. ये दोनों एक्शन रिएक्शन है. mg इस नॉर्मल का रिएक्शन नहीं है, इस नॉर्मल का रिएक्शन ये नॉर्मल है जो टेबल पे लग रहा है. इस mg का रिएक्शन ये mg है. याद रखना, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगते हैं. जैसे ये वाला ब्लॉक पे लग रहा है, ये वाला अर्थ पे लग रहा है. ये वाला फोर्स, आई होप पता नहीं तुम्हें पॉइंटर दिखता है नहीं दिखता, मुझे नहीं पता, है ना. जैसे ये वाला फोर्स तुम्हारा ब्लॉक पे लग रहा है, ये तुम्हारा अर्थ पे लग रहा है ना. ये वाला फोर्स तुम्हारा जो है वो तुम्हारा किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है. और ये टेबल पे लग रहा है. तो एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगते हैं. जबकि हम इन नॉर्मल और इस एम जी की बात करें तो ये दोनों तो सेम बॉडी पे लग रहे हैं. कभी भी सेम बॉडी पे एक एफबीडी में जितने भी फोर्सेस आते हैं वो कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं होते. याद रखना, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगली चीज, एक्शन रिएक्शन हमेशा सेम नेचर के होते हैं. अगर एक्शन ग्रेविटेशन है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल होगी. एक्शन नॉर्मल है तो रिएक्शन भी नॉर्मल होगी. एक्शन फ्रिक्शनल फोर्स है तो रिएक्शन भी फ्रिक्शनल फोर्स होगी. एक्शन रिएक्शन फेयर हमेशा सेम नेचर के होते हैं, है ना. ग्रेविटेशन का रिएक्शन कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, नॉर्मल का रिएक्शन कभी भी फ्रिक्शन नहीं हो सकता. टेंशन का रिएक्शन कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, टेंशन का रिएक्शन टेंशन ही होगा, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल ही होगा, फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन ही होगा. रिमेंबर दिस, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस. आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है. और याद रखना, जिन बच्चों के अभी ढंग से पढ़ानी है या फिर जो भी है, तो मैंने ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पूरा फ्री में भी पढ़ाया हुआ है ना. फिजिक्सहोलिक्स में हमने बहुत सारे चैप्टर्स फ्री में पढ़ाए हुए हैं, तो उनको डिटेल में अटेंड करो, है ना. अटेंड फिजिक्स कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं की जाती, प्रॉपर सही तरीके से करी जाती है ना. धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड होते हैं एंड इट टेक्स टाइम. इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है ना.